चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 10 स्थित वंदना इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में भव्य एवं आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माता की चौकी का शानदार आयोजन किया गया। इस देवी जागरण में वंदना एवं कमल ग्रुप से जुड़े सभी शीर्ष अधिकारियों एवं कॉलेज तथा स्कूल के सभी तरह के स्टाफ ने बड़े ही भक्तिभावपूर्ण भाव के साथ शिरकत की। इस मौके पर माता वैष्णो देवी का भव्य दरबार सजाया गया एवं माता के समक्ष सुंदर एवं आकर्षक भजनों की प्रस्तुति की गई। आयोजन देर शाम करीब 9 बजे से शुरू होकर देर रात तक जारी रहा। इस आयोजन में प्रमुख रूप से वंदना एवं कमल ग्रुप के चेयरमैन श्री वेद प्रकाश टंडन, श्रीमती वंदना टंडन, श्री तरुण बजाज, श्री आर के टंडन के अलावा अन्य गणमान्य अतिथि भी सपरिवार शामिल हुए। आइए आपको लेकर चलते हैं शानदार और भव्य माता के जागरण में। देखिए 94 से हमें माँ का आशीर्वाद मिला। निष्काम मंडल है जो कोई यहाँ ना तो पैसे का चढ़ावा चढ़ता है जो ये मंडली है और ना ही कोई पैसा लिया जाता है। बिल्कुल निष्काम यहाँ जो जय देवा माँ है उनका एक बहुत विशाल मंदिर है मेरठ रोड पर, उनकी तरफ से हर साल होता है नवंबर के थर्ड वीक में। और हमारा जो ग्रुप जो है कमल वंदना ट्रिनिटी गुरुग्राम ये सब मिलके ग्रुप के जो हमारे टीचर्स स्टाफ के अन्य सदस्य हमारे मैनेजमेंट के सदस्य सभी मिलके इसको कराते हैं। और क्योंकि ये धार्मिक काम होते रहने चाहिए जिससे एक धर्म में आस्था बढ़ती है, उसके साथ साथ कृपा बरसती है माँ जी की स्कूलों पर जिससे सब काम निर्विघ्न चलते रहे। बिल्कुल परमात्मा का तो जितना शुक्रिया किया जाए वो कम है, उसी की वजह से सृष्टि चल रही है। और अभी भी इतना अच्छा अभी हमारे देश में राम मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में का इतना अच्छा फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो ये देश ऐसा है जिसमें हर धर्म हर कौम के लोग रहते हैं और हर धर्म की यहाँ पर उतनी इज्जत है जितनी हिंदू धर्म की है। तो ये सत्यभूषण जैन नेशनल वाइस चेयरमैन कॉन्फेडरेशन ऑल इंडिया ट्रेडर, ये जो वीपी टंडन जी जो करा रहे हैं 25वां जागरण है और ये सारे स्कूल और इनके स्टाफ मिलके टीचर मिलके सब करा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। और ये कमल वंदना ट्रिनिटी ग्रुप के द्वारा आयोजित हर वर्ष किया जा रहा है और इसमें सैकड़ों हजारों अध्यापक अध्यापिकाएं लोग शामिल होते हैं और जो देवी माँ की आस्था करते हैं यहाँ आके शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम है ये, उस तरह का कार्यक्रम। डॉक्टर तरुण बजाज चेयरमैन पायनियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये खूबसूरत शाम है और ये खूबसूरत शाम मैं आपको बताऊं पिछले 25 साल से आयोजित की जा रही है। ये शाम कमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वंदना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और साथ में ट्रिनिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मिलकर ये आयोजित करते हैं और आज 25 साल हो गए हैं जब माता की चौकी और माता का जागरण का आयोजन किया जाता रहा है। बिल्कुल किसी भी साल एक कड़ी टूटी नहीं है। मकसद ये है कि हम लोग हमारी जो परंपराएं हैं हमारी जो जड़ें हैं उनसे हम जुड़े रहें।
हम याद करें परमात्मा को, जिसकी वजह से आज हम उसकी मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से आज हम यहाँ पर एक मनुष्य जीवन में हैं और हमें मौका मिल रहा है कि हम समाज में जुड़े हुए हैं और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। उनको धन्यवाद भी करना है, भगवान को याद करना है, ये एक अच्छा मौका होता है। और हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है कि हम लोग भगवान को हमेशा याद रखते हैं। और यही वजह है कि 25 सालों से, जैसा मैंने कहा, कि ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। आज भी उसी कड़ी में, इस संध्या में, एक बहुत ही सुंदर माता की चौकी का आयोजन किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, इतना आनंद आता है यहाँ पर, इतना आनंद आता है कि हम तो पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। मन करता है कि कुछ और समय बिताएं, और जितना अच्छा लगता है, हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कमल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का। माता की इस चौकी के माध्यम से वंदना एवं कमल ग्रुप का यह विचार वास्तव में वंदनीय है कि परमात्मा ने हम सभी को जो कुछ भी दिया है, हम सभी न सिर्फ उसे आत्मसात करें, बल्कि समय समय पर उसके लिए परमात्मा का शुक्रिया भी अदा करते रहें। इस तरह के पवित्र विचार ही वास्तव में समाज को एक दिशा देने का काम करते रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज, दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।